कईयों को गर्मी में आंखें जलती है अथवा मासिक अधिक आता है अथवा फूड़ी फूसियां होती है तो जल्दी ठीक नहीं होती, उनके लिए दवा की कोई जरूरत नहीं है। खाबे नाक से श्वास ले, सवा मिनट रोके, गुरु मंत्र जप करे और साजे से छोड़े। कैसी भी गर्मी हो, आंखें जलती हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो, फूसी फूड़ी हो, उसमें आराम हो जाएगा। त्रिफला फाक ले शाम को थोड़ा सा। शिवरात्रि आती उसके पहले जोड़ों का दर्द, गठिया, घुटनों में ये वो जो भी है, 1 लीटर पानी 3 बिली पत्ते मसल के उसमें डाल दो, उबालो। वो एड़ी में दर्द होता है उसमें भी फायदा करेगा। उबाल के 1.25 लीटर रह जाए वही पानी पियो। वायु और आम और कफ इन के मेल से सुबह सुबह बहुत दर्द होता है, बाद में खुल जाता है। मैं इसका अनुभवी हूँ, मेरे से गुजरा है ये दर्द, मैंने अनुभव किया है। तो 1 लीटर पानी उबाल के 1.25 लीटर हो गया वो पानी पिए और ओम बम 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 भोलेनाथ का बीज मंत्र है। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जब करे तो वो सुकड़ा हुआ चल फिर नहीं सकता ऐसा आदमी भी गठिया से मुक्त हो जाएगा एक दिन में। शिवरात्रि का दिन ओम बम 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 जब करे, अभी थोड़ा ये अभ्यास करे वो पानी पीने का आदि आदि। शिवरात्रि का दिन 1.25 लाख जब करे ओम बम बम बम, ये तो याद रह जाएगा, ये बीज मंत्र है शिव जी का। ओम बम 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 बम। शिवरात्रि आती उसके पहले जोड़ों का दर्द, गठिया, घुटनों में ये वो जो भी है, 1 लीटर पानी 3 बिली पत्ते मसल के उसमें डाल दो, उबालो। वो एड़ी में दर्द होता है उसमें भी फायदा करेगा। उबाल के 1.25 लीटर रह जाए वही पानी पियो। वायु और आम और कफ इन के मेल से सुबह सुबह बहुत दर्द होता है, बाद में खुल जाता है। मैं इसका अनुभवी हूँ, मेरे से गुजरा है ये दर्द, मैंने अनुभव किया है। तो 1 लीटर पानी उबाल के 1.25 लीटर हो गया वो पानी पिए और ओम बम 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 भोलेनाथ का बीज मंत्र है। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जब करे तो वो सुकड़ा हुआ चल फिर नहीं सकता ऐसा आदमी भी गठिया से मुक्त हो जाएगा एक दिन में। शिवरात्रि का दिन ओम बम 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 जब करे, अभी थोड़ा ये अभ्यास करे वो पानी पीने का आदि आदि। शिवरात्रि का दिन 1.25 लाख जब करे ओम बम बम बम, ये तो याद रह जाएगा, ये बीज मंत्र है शिव जी का। ओम बम 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 बम। गोड्डों के दर्द से राहत हुए हैं, ध्यान से सुनना। जोड़ों का दर्द में मेथी दाने मिक्सी में पीस के रख दे, 15 से 25-30-50 ग्राम तक भिगा सकते हैं एक व्यक्ति के लिए। और सुबह रात के भीगे हुए मेथी दाने सुबह लेने से जोड़ों के दर्द में बड़ा आराम मिलता है। दूसरी बात है कि भोजन के समय 1 गिलास गुनगुना पानी रखें। उस गुनगुने पानी में 5-10 अदरक की बूंदें डाल दें अथवा आधी चुटकी सौंठ मिलाकर उस पानी को हाजमा हजम बनाएं और भोजन के बीच वो पानी पिए। तो इससे शरीर में जो आम होता है कच्चा रस, आम और वायु मिलकर गुड्डों का दर्द बनता है अथवा कफ और वात मिलकर भी गुड्डों का दर्द बनता है। तो तीसरा उपाय इसके साथ वो भी करें कि 100 ग्राम एरंडी का तेल और 80 ग्राम या जितनी भी लहसुन की कलियां
कूट काट के उस तेल में डाल दें, तेल को गर्म करें और कलियां जल जाए वो तेल उतार के रखें, गोड़ों को उसकी मालिश करें। चौथा उपाय है, चारों उपाय करें तो एकदम बढ़िया रहेगा। सुबह सीधे लेट जाएं, श्वास बाहर छोड़ दें, फेंक दें और फिर योनि का संकोचन करते जाएं। 35-38 बार हो जाता है आराम से, श्वास रोका और पेट को ऊपर नीचे भी हो जाएगा और शौच जाने की जगह का संकोचन विस्तरण। ये करने से 80 प्रकार के वायु दोष मिटते हैं। तो इसमें जो आम वात अथवा कफ वात से जो जोड़ों का दर्द है वो भी टूट जाएगा। तो थल बस्ती एरंडिये को लहसुन के साथ तैयार करके उसकी मालिश, भोजन के समय एक गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सौंठ या अदरक की रस की बूंदें और मेथी के दाने, ये किसी को भी जोड़ों के दर्द में तकलीफ हो तो ये उपाय बताने से उनको फायदा होता है। और पांचवा प्रयोग है, ये साथ में करे तो सुबह सुबह की धूप जोड़ों को लगे जहां दर्द है। ऑपरेशन कराने से जोड़ों के दर्द की मुसीबत नहीं मिटती। अटल जी ने स्पेशल डॉक्टर अमेरिका के खास डॉक्टर ये वो कराया, लेकिन अभी तक वो बेचारे उसी गोड़ों की तकलीफ से डॉक्टरी इलाज के कारण अभी इतने परेशान है कि गोलियां ने और क्या क्या किया वो याद शक्ति भी चली गई, स्वास्थ्य भी बहुत गंभीर हो रहा है। ये गोड़े बदलने की बात जो करते हैं अथवा ये ऑपरेशन करो गोड़ों के दर्द में, तोबा हो जाती है। माया तुमको पता है डॉक्टर डरावे तो उनके चक्कर में मत पड़ो। गर्भ कमजोर है, बालक ऐसा है, ग्रोथ नहीं होती, चंद्रमा के किरण पड़े नाभि पे अपने आप बालक की ग्रोथ होती है, माँ भी तंदुरुस्त रहती है। यह औषधियां पुष्ट होती है साई रातियों में, उजाली रातियों में, उजाली रातों का उजाले में जरा उजाला खाओ चंद्रमा का, बालक भी पुष्ट माँ भी पुष्ट।